सो हेलो असम पीपल, हियर इज अभिलाष। तो बताइए क्या हाल चाल। वेलकम यू ऑल टू अ वेरी फ्रेश न्यू व्लॉग। अभी टाइम बज रहे 9:05 और मैं हूँ अभी गुवाहाटी पे। तो गुवाहाटी पे मैं 2 दिन पहले आ चुका था और आते वक्त मैंने कोई व्लॉग नहीं किया। अभी बहुत सारा काम था, एक्चुअली काम से मैं गुवाहाटी आया हूँ आज। इस बार मैं ब्लॉग के पर्पज़ से नहीं, एक काम के पर्पज़ से मैं गुवाहाटी आया हूँ। तो जब आया ही हूँ तो मैंने सोचा कैमरा वगैरह कैरी कर लेता हूँ, अगर कहीं पर जाना पड़ा तो वहाँ का एक ब्लॉग बना लेंगे। एंड येस, आई एम गोइंग टू अ वेरी स्पेशल प्लेस टुडे। और थोड़ा बहुत हटके ये प्लेस है, बहुत लोगों को पता है, लेकिन आज आप लोग को एक्सपीरियंस करवाते हैं फटाफट से। तो अभी काम करते हैं फटाफट चलते हैं। हाँ, और एक बात मैं आप लोगों को मेंशन करना चाहूँगा, मैं अपना स्कूटी लेके सीधे से गुवाहाटी आया हूँ। तो अभी मैं अपने स्कूटी को लेके जाने वाला हूँ उस प्लेस पे, और प्लेस को फुल्ली एक्सप्लोर कीजिए। तो अभी जो मैं मयूर होटल में हूँ, आप लोगों को तो पता ही है मैं हमेशा मयूर होटल में स्टे करता हूँ। तो मयूर होटल से मैं जा रहा हूँ अभी टूवर्ड शिवालकुची। तो शिवालकुची के बाद और एक प्लेस है जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ। तो और यहाँ पर बाहर का जो लोकेशन है वो मैं आप लोगों को एक बार चेकआउट करवाता हूँ। तो ये है मयूर होटल का बालकनी, एंड बाहर जैसे देख सकते हो अपोजिट साइड पर है आपको रेलवे स्टेशन। एंड यहाँ से आपको टैक्सी वगैरह से मिल जाएगा शिलोंग, एंड अगर आपको कहीं पर भी जाना है देन। एंड वहाँ पर रेलवे स्टेशन होने की वजह से मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो अभी यहाँ से चलते हैं फटाफट और आप लोग सीन्स एंजॉय कीजिए। आप लोगों को सिनेमेटिक्स कैसा लगा आप लोग जरूर बताना। तो गुवाहाटी से अभी मैं आ चुका हूँ हाजो पे, और हाजो पे माधव देव मंदिर पे मैं आज विजिट करने आया हूँ। मैं अपने स्कूटी को कामाख्या भी लेके गया, उसके बाद नौगांव भी लेके गया शिव मंदिर के यहाँ पर। एंड आज मैं अपने स्कूटी को लेके आ गया हाजो पे, और बहुत सारे यादें हैं स्कूटी के साथ और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी कुछ दिनों बाद और भी बड़े बड़े प्लान्स हैं, तो तब देखा जाएगा। एंड नाउ लेट्स एक्सप्लोर माधव देव मंदिर इन हाजो। एंड यहाँ से कहाँ पर जाते हैं ये बात मतलब बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी हाजो जो टेंपल है वो विजिट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है यहाँ पर जो भी आते हैं शिवालकुची की तरफ तो वो लोग हाजो टेंपल को ज़रूर विजिट करते हैं। तो अब एक काम करते हैं फटाफट आप लोगों को सिनेमेटिक्स दिखाते हैं और हाजो टेंपल का एक्सपीरियंस आप लोगों को शो करते हैं। चलो
सो गाइस, एक बेहतरीन से सीनिक जर्नी हम लोग तय करने के बाद आ पहुंचे हैं हाजो पे। एंड हाजो पे आने का जो मकसद है वो है माधव मंदिर पे विजिट करना, दर्शन। अभी जब मैं फाइनली आ ही चुका हूँ माधव मंदिर पे, तो इस मंदिर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो माधव मंदिर है ये सिचुएटेड है आपका मणिकूट हिल में, जो कि हाजो में है। एंड ये हाजो कामरूप डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। गुवाहाटी से लगभग 30 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप लोग यहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड बोला जाता है कालिका पुराना, जो कि 11th सेंचुरी में कंपोज किया गया था, जहाँ पर लॉर्ड विष्णु के एस्टैब्लिशमेंट्स के बारे में बात किया गया था, वहाँ पर ये भी बोला गया था ये जो मणिकूट हिल है ये उन्हीं के एक एस्टैब्लिशमेंट से एक है। एंड ये जो आप लोग एट प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन देख रहे हो, ये बनाया गया है किंग रघुदेव नारायण 1853। माना जाता है कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें से भी ये एक फेमस टेम्पल है, हयग्रीव माधव टेम्पल। एंड इस मंदिर का फुल नेम अगर आप लोग जानना चाहो, देन इस मंदिर का फुल नेम है हयग्रीव माधव मंदिर, जो कि इमेज पोर्ट्रे करता है हयग्रीव माधव जी का। यहाँ पर बोला जाता है कि लॉर्ड बुद्ध ने निर्वाण अटेंड किया था। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप लोग जब इस मंदिर पे एंटर करोगे, यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है ये खुद एक स्टोरी आप लोगों को बताएगा। सो मैं बोलूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा आप सबको, आप आइए हाजो पे माधव मंदिर पे, विजिट कीजिए, दर्शन कीजिए। यहाँ का जो मतलब ब्यूटी है इसको महसूस कीजिए एंड पॉजिटिव वाइब्स आप लोगों को मिलेगा। सो आइए दर्शन कीजिए। तो अभी फिर से आप लोगों को मिलते हैं सिनेमेटिक्स में एंड देन व्लॉग में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। जितना भी मुझे मालूम था, जितना भी मैंने स्टडी किया था, मैंने कोशिश किया आप लोगों को बता पाऊँ। और फर्दर अगर आप लोगों को और भी कुछ मतलब मालूम होता है या फिर आप लोग को पता लगता है माधव मंदिर के बारे में, प्लीज़ डू कॉमेंट। एंड कॉमेंट सेक्शन में आप मुझको बता सकते हो, तो मैं भी बहुत कुछ और भी जान पाऊँगा। सो मिलते हैं व्लॉग में। यहाँ पर वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मतलब जहाँ पर मैं ब्लॉग करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं कैमरा नहीं निकल पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ बहुत सारे बंदर है, और मुझे ना थोड़ा मतलब बंदरों से डर लगता है, क्योंकि अगर बंदरों ने ये कैमरा वगैरह छीन लिया ना, देन मतलब बहुत गंदा सीन हो जाएगा। सो इसीलिए मैं जहाँ पर मैं सेफ फील कर रहा हूँ वहाँ पर मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। और यहाँ का वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और आप लोगों ने मतलब ज़रूर से टॉर्टोइज वाला सीन तो देखा ही होगा, इतने सारे टॉर्टोइजेज है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। एंड मैं यहाँ पे और भी सिनेमेटिक्स लेने वाला हूँ, और अंदर मंदिर के अंदर तो मतलब ब्लॉक करने देंगे या नहीं ये भी नहीं मालूम, क्योंकि कैमरा क्योंकि अलाउड नहीं होते इन सब मंदिरों पे। तो एक बार राउंड ले लेता हूँ और उसके बाद दर्शन कर लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत सिचुएशन समझ जाऊँगा, और अगर हो पाया देन मैं कैमरा से थोड़ा बहुत क्लिप्स लेकर मैं आप लोगों को ज़रूर शो करूँगा। तो चलो मिलते हैं थोड़ी ही देर में। तो गाइज, यहाँ पर मेरा एक छोटा मोटा दर्शन ख़त्म होता है माधवदेव मंदिर के यहाँ पर हाजो पे। एंड अभी टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं अभी जा रहा हूँ और एक प्लेस पे एक्सप्लोर करने, तो आप लोग वो वाला प्लेस नेक्स्ट ब्लॉग के देखोगे। एंड यहीं पर मैं माधवदेव मंदिर का जो ब्लॉग है यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, एंड डायरेक्ट मिलते हैं एक और लोकेशन पे, एक नए जगह पर। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, देन इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना, और जाते वक्त बेल आइकन को जरूर ठोक के जाना। देन अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट और एक प्लेस पे। चलो।